अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे भिंडी की सब्ज़ी, जिसके लिए हमने 400 ग्राम भिंडी लिया है। उसको इस तरह बारीक बारीक स्लाइस में काट लिया है और इसे थोड़ा हवा में रख के थोड़ा सुखा दिया है ताकि फिर एकदम खुली खुली बने। इससे भिंडी खुली खुली बनती है अगर आप थोड़ा काट के इसको फैन में सुखा देना। और उसके बाद नमक हम टेस्ट के हिसाब से डालेंगे, आधा टीस्पून हल्दी पाउडर, 7 से 8 हरी मिर्ची लिए हमने और इसको इस तरह से काट दिया है। आप आपके हिसाब से कम या ज़्यादा टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। और 4 टेबलस्पून मीठा तेल लिया है, 4 लहसुन की कलियां लेके इसको इस तरह से बारीक चॉप कर दिया हमने, और 2 टेबलस्पून हल्दी, 2 टेबलस्पून तिल लिया है, और हरा धनिया गार्निशिंग के लिए और डालने के लिए लगेगा तो हमने 2 टेबलस्पून लिया है, और 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, और एक डल्ली प्याज की लेके इसे इस तरह बारीक स्लाइस में हमने काट दिया है। और सबसे पहले हम एक तवे पे भिंडी को सबसे पहले हम भून लेंगे। सबसे पहले हमने तवे पे थोड़ा सा तेल डाल दिया है, तेल डाले बाद ये भिंडी को हम डाल देंगे और आँच को फुल कर देंगे। इसे थोड़ा दाग लगे उतना भून लेंगे, 6-7 मिनट हमें इसको भूनने लगेंगे। आँच को 6 मिनट तक से अच्छी तरह भून लेंगे। भिंडी हमारी हल्की सी फ्राई हो चुकी है, इसमें हम बस चुटकी भर नमक डालेंगे ताकि भूनते टाइम नमक भिंडी के अंदर तक चले और इससे भिंडी एक दूसरे की चिपकती नहीं, खुली खुली होती है नमक डालने तो हम इसलिए इसमें नमक डाल दिया। उसको हल्का सा दाग लगे तक और 2-3 मिनट भून लेंगे। ये हमारी भिंडी अच्छी तरह से भून चुकी है क्योंकि अभी इसे हम पैन में भी फ्राई करने वाले हैं तो इसलिए बस इस बेस पे इसको निकाल लेंगे। इसको इसमें निकाल देंगे, प्लेट में निकाल लेंगे। सबसे पहले हम ये जो तेल रखा था उसे पैन में डाल देंगे। हमने भूनते वक्त भी 2 टेबलस्पून तेल डाला था भिंडी में और ये 4 टेबलस्पून है, टोटल हमें 6 टेबलस्पून तेल लगा। इसे हम प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक 3 से 4 मिनट तक फ्राई होने देंगे। अब ये हमारी प्याज हल्की सी ब्राउन हुई है, अब इसमें हम ये हरी मिर्ची जो रखी थी हमने वो डाल देंगे, फिर ये जो लहसुन जो चॉप करके रखा था वो डाल देंगे। इसे भी हल्का फ्राई होने देंगे, इसमें से हरी मिर्ची में से तब खुशबू आने तक इसे भूनेंगे। ये हल्का सा गोल्डन ब्राउन कलर हो चुका है इसका, अब इसकी अब हम अदरक लहसुन का पेस्ट थोड़ी 1 मिनट के बाद डालेंगे, थोड़ा और इसको ब्राउन होने देंगे। अब हम अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे इसमें। और ये हल्दी पाउडर भी डाल देंगे। इसके बाद हल्का सा थोड़ा और भून लेंगे, ये जो भिंडी रखी थी वो डाल देंगे।
जल्दी लेंगे। फिर 2 से 3 मिनट तक इसे पकने देंगे, इसे और अच्छी तरह से थोड़ी और क्रिस्पी हुए तक फ्राई करेंगे हम, और अभी गोल्डन ब्राउन होने तक इसे और फ्राई करेंगे। अभी हमारी अभी ये हम नमक जो रखे थे वो डालेंगे। फिर उसके बाद ये जो तेल रखा था हमने वो इसे डाल देंगे, और इसे भी अच्छे क्रिस्पी होने तक, इसे भी तेल और भिंडी को क्रिस्पी होने तक भूनेंगे 2-3 मिनट तक। ये भिंडी हमारी अच्छी तरह से क्रिस्पी हो चुकी है, अब इसे हम निकाल लेंगे। थोड़ा सा हरा धनिया ऐड कर देंगे, थोड़ा सा इसमें हरा धनिया आधा इसमें डाल देंगे, आधा गार्निशिंग के लिए रखेंगे बस। अब इसे हम गैस बंद कर देंगे, अब इसे निकाल लेंगे। थोड़ी सी तिरी हम ऊपर से और गार्निशिंग के लिए डाल देंगे। लीजिए ये हमारी भिंडी तैयार है।